फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एनवायरमेंटल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर के सेशन नंबर 2। प्रीवियस यानी पहले, कल हम लोग एनवायरमेंटल साइंस के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके बाद क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले ये वीडियो शुरू किया जाए, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। एनवायरमेंटल साइंस एक टेट के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये सेक्शन 5 में आता है। ओके, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ईवीएस अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप बुक को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस का एक एनवायरमेंट का बहुत ही बेहतर बुक है, इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो ईवीएस का जो पोर्शंस है, बर्धवान यूनिवर्सिटी का जो ईवीएस का पोर्शन, कल्याणी यूनिवर्सिटी, बारासात यूनिवर्सिटी का जो ईवीएस का जो पोर्शन है एमसीक्यू, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। ओके, अदरवाइज जैसे आप लोग को बताया गया था 6 से लेकर 10 तक के जो गवर्नमेंट का जो बुक है उसमें जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, तब आप WB प्राइमरी टेट के ईवीएस पोर्शन को आप लोग कवर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग सी टेट को फॉलो करोगे या कोई अदर स्टेट टेट के लिए तो मे भी कुछ टॉपिक्स मिसमैच करे या ना मिले, लेकिन जो आप लोगों को बोला गया WB टेट के लिए आप लोग उसी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को किसी भी किसी का दिक्कत हो, परेशानी हो तैयारी या प्रिपरेशन करने में, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जहाँ पे आप लोगों को हर किस्म के स्लाइड, प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और 10 नवंबर को मैं अपना कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ, एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो प्लीज़ आप सभी लोगों का वेलकम। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चंस नंबर, पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस को देखे थे 130 तक, आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर देखेंगे 131। क्वेश्चंस है वेरी इजी पेडागोजिकल इशू से क्वेश्चंस है। एज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज योर रेकन कैरोट एज एन अप्रोप्रिएट फूड फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पुअर विजन, यानी एक आप एनवायरमेंटल स्टडीज का टीचर हो तो आप रेकन करें, यानी स्टूडेंट लोग को ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैरोट क्या है, सबसे अच्छा फूड है जो कि इरेडिकेशन करता है, हटाता है पुअर विजन को, जिसकी नज़र अगर कमजोर है, नज़र मतलब दूर की चीज़ को या करीब की चीज़ को ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए कैरोट जो कि विटामिन ए से भरपूर है, तो ये किस चीज़ के लिए, मतलब कि तो कैरोट क्या है, यानी कैरोट क्यों एक टीचर बोल रहा है उस बच्चे को खाने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, फूड रिच इन विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 2, फूड रिच इन विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 3, फूड रिच इन विटामिन ए। एंड ऑप्शन नंबर 4, फूड रिच इन विटामिन के। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ओके, कैरेट जो है ये विटामिन ई के लिए, ए के लिए फुलफिलमेंट है। ओके, और किसी का अगर नज़र कमजोर हो तो ये कैरेट इसके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो देखिए, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन था, आप एज ए टीचर हो और आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है कि कोई बच्चे की अगर नज़र कमजोर हो तो वो विटामिन ए से भरपूर कैरेट को खा सकता है। ओके, तो इसलिए विटामिन जो चैप्टर से, जो आपको वाटर जो चैप्टर है जो 6-7 क्लास में है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते, हर टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी या जियोग्राफी का जो पोर्शंस है। ओके, ये 4 पोर्शंस को आपको कंप्लीट करना है तब आप एनवायरमेंटल स्टडीज को बीट कर पाएंगे, ओनली फॉर WB प्राइमरी टेट। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखिए एक और पेडागोजिकल क्वेश्चन से, क्वेश्चन 132। क्वेश्चन है, सबीनास मदर कुक्स फूड यूजिंग एन ओवन। सबीना की जो मदर है एक चूल्हे को जला करके खाना बनाती है। ओके, शी यूजेस वुड्स काउडंग, यानी वो लकड़ी और गाय का जो काउडंग होता है, गोबर होता है, जो केक, जो गोबर से जो केक टाइप का कुछ बनता है, और कोल एज ए फ्यूल, तो वो काउडंग यानी गोबर को यूज करती है। ओके, एंड कोयला भी यूज करती है एज फ्यूल के तौर पे, ईंधन यानी जलाने के तौर पे। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन है, बीइंग अ टीचर, अगर आप एक टीचर हो एनवायरमेंटल स्टडीज का, तो व्हाट यू थिंक
अबाउट द प्रोबेबल डिजीज दैट सबीनास मदर मे बी डेवलप। तो अगर वो ऐसे करके वो खाना बनाती है, ओके, काउ डंग की केक को जला करके, कोयला को जला करके, तो उसकी जो मदर है, सबीना की मदर है, कौन से बीमारी में मुबतला होने का ज्यादा चांसेस है? ऑप्शन नंबर वन मलेरिया या कोलेरा, ऑप्शन नंबर बी ब्रोंकाइटिस या एफजाइमा, ऑप्शन नंबर सी एंथराइटिस या इन्फ्लुएंजा, या ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस या मेनिंजिटिस। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, उनको ये प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो ये प्रॉब्लम होता है ब्रोंकाइटिस में। ओके, जो ट्रेकिया और जो लंग्स से जो रिलेशन है वो मतलब कि धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, जो लोग ज्यादा धुआं में रहता है, ओके, तो जाहिर सी बात है काउ डंग अगर ज्यादा जलेगा, कोल ज्यादा जलेगा, तो धुआं ज्यादा होगा, और उस माहौल में सांस लेने से ये जो सांस की जो नली है वो खराब होने का चांसेस है, इसीलिए ब्रोंकाइटिस और एफिजाइमा नाम का बीमारी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 133, Which of the following is a migratory bird? इसमें से कौन एक migratory bird? देखिए एक factual question से, okay? तो इसीलिए आप लोग से request है कि physics, chemistry, biology में आपको जो जो factual जो questions है, ये सब questions को एकदम आप लोग देख सकते हैं, okay? इसको अच्छी तरीके से learn कीजिएगा। इससे related मैंने बहुत सारे notes को provide किए, मतलब notes में ये सब questions हम बनाए हैं, तो please आप लोग उस notes को go through कीजिएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिया, ये चारों में से कौन एक माइग्रेटरी बर्ड है? ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए खंजाना, ऑप्शन नंबर बी क्रो, ऑप्शन नंबर सी टुटनी, ऑप्शन नंबर डी स्पैरो। वेरी इजी, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, खंजाना नाम का एक बर्ड है जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है। ये जो दोनों बर्ड्स है ये तो हमारे इलाके में पाए जाते हैं, इस कौवा और गौरैया जो घरों में मिलता है, लेकिन खंजाना एक ऐसा बर्ड है जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड है। टुटनी भी एक किस्म का बर्ड का प्रजाति है, ये सुंदरबन के इलाके में पाया जाता है, बट खंजाना एक अदर एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि अदर कंट्री से आता है इंडिया में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 134, एन एक्सकर्शन इज अरेंज बाय द स्कूल विजिट, स्कूल टू विजिट द स्टेट राजस्थान फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 4, द प्लेस दैट दे विल विजिट इज। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है पेडागोजिकली भी क्वेश्चंस, एन एक्सकर्सन, एक्सकर्सन मीन्स होता है कि आप अपने बच्चों को लेकर के कोई भी हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल प्लेसेस पे घूमना, ओके, यानी एजुकेशन के पर्पज से आप बच्चों को घुमाते हैं, ओके, टूर पे लेके जाते हैं। तो अरेंज बाय द स्कूल, स्कूल की तरफ से अरेंज किया हुआ है, कहाँ? टू विजिट द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट में जाने का। For the students of class 4, ये class 4 के स्टूडेंट बच्चे जाएंगे, the place that they will visit, तो वहाँ पे जाएंगे वो क्या देखेंगे? Okay, number one is Moflong, number B is Arabari, number C Vishnoi village, या option number D Kanha। Okay, तो very important, तो राजस्थान में मतलब कि क्या देखने को मिलेगा? Moflong ये एक पहाड़ी इलाका है जो कि आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में, ओके, ये राजस्थान से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये मिले आपको नॉर्थ ईस्ट में। आराबारी का एक फॉरेस्ट है, ये भी ये राजस्थान में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई विलेज, यस, ये इसका राइट आंसर, बिश्नोई नाम का विलेजेस है, ओके, गांव है। बिश्नोई एक प्रजाति मतलब एक लोगों का एक ग्रुप्स है, वो लोग रहते हैं ग्रुप्स में, और उसी के नाम से एक विलेज है, तो लोग अगर जाएंगे बच्चे वहां पे जाएंगे तो बिश्नोई विलेजेस को विजिट करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चंस बना है ये डायरेक्ट क्लास 7 या 6 की बुक से, ये कोई एक स्टोरी है, और मतलब वो इसमें उस स्टोरी में बताया जा रहा है कि बच्चे घूमने जाएंगे, तो इसलिए आपको हर बुक को, हर टॉपिक को, हर स्टोरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी विश्नोई विलेजेस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 135, एज ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, देखिए ये भी पेडागोजिकल क्वेश्चन है, आप एज ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज का, यू ऑफन सजेस्ट योर स्टूडेंट, आप हमेशा अपने स्टूडेंट को ये सजेस्ट कीजिएगा टू ईट पोर फ्रूट्स, वेट, अच्छा यहाँ पे टू ईट नोर फ्रूट या क्या दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, टू ईट फ्रूट्स बिकॉज फ्रूट्स आर, यानी
अच्छा प्योर तो नहीं है या अच्छा देख लेते क्वेश्चंस। आप एक इन्वायरमेंटल स्टडीज का टीचर हो, आप हमेशा बच्चों को बोलिएगा फ्रूट्स खाने के लिए, यहाँ पे क्या ये समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर वन, क्यों फ्रूट खाने के लिए बोलिएगा, आप एक ईवीएस का टीचर है। ऑप्शन नंबर वन, सोर्सेस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारा एनर्जी रहता है। ऑप्शन नंबर बी, नॉट इजली डाइजेस्ट, क्या ये आसानी से डाइजेस्ट हजम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, सोर्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, फ्रूट में इसलिए खाना चाहिए कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और फैट रहता है। ऑप्शन नंबर डी, हेल्पफुल टू अरेस्ट ऑब्जाइटी, सोर्स ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ द विटामिन वाटर मिनरल फाइबर इजली डाइजेस्ट, कि उसमें विटामिन रहता है, वाटर रहता है, मिनरल रहता है, और कोई भी चीज़ को इजली डाइजेस्ट कर लेता है, या फ्रूट ही बहुत इजली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फ्रूट इसलिए खाया जाता है क्योंकि उसमें विटामिन वाटर मिनरल फाइबर और कोई भी चीज़ को उसमें कुछ ऐसा एसिडिक कुछ मैटर रहता है जिसमें कोई भी चीज़ को आसानी से हजम कर देता है। जैसे सेब में कौन सा एसिड रहता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेब में कौन सा एसिड रहता है, एप्पल में और लेमन में, लेमू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विदाउट ब्रांचेस। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है और डायरेक्ट क्वेश्चंस किया गया है, यानी एक ऐसा ट्री जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर वन, कोकोनट मैंगोस। ऑप्शन नंबर बी, कोकोनट पाम। ऑप्शन नंबर सी, बनियान एंड कोकोनट। ऑप्शन नंबर डी, पाम एंड जैक फ्रूट। तो इसका ऑप्शन एनालाइज कर लेते हैं। कोकोनट और मैंगो यानी नारियल का दरख्त और आम का, तो आम में तो रहता है। ऑप्शन नंबर बी, कोकोनट पाम, पाम मतलब ताहा का दरख्त और कोकोनट मतलब नारियल का दरख्त। ऑप्शन नंबर सी, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़ और कोकोनट नारियल का। ऑप्शन नंबर डी, पाम या जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब कटहल और पाम मतलब ताड़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एक नारियल के पेड़ में और पाम यानी ताड़ के गाछ में, ताड़ के पेड़ में कोई ब्रांचेस नहीं रहता, कोई डालियां नहीं रहती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, इसमें से कौन एक फिश है। देखिए ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन से, ये क्लास 7 के बायोलॉजी की बुक से ही दिया गया है। इसमें से कौन एक फिश नहीं है, कैरी फिश, डॉग फिश, सॉरी कैरी फिश। ऑप्शन नंबर बी, कैटल फिश। ऑप्शन नंबर सी, डॉग फिश। ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर फिश। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉग फिश नाम का कोई एक फिश नहीं है। बाकी सब फिश की प्रजाति है जो कि समुद्र, गहरे समुद्र में पाई जाती है। तो डॉग फिश नाम का कोई एक फिश का कोई प्रजाति, कोई स्पीसीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पोजेसेस शार्प नेल्स, इसमें से कौन एक ऐसा एनिमल जिसका नेल नाखून बहुत ही तेज नोकीला रहता है। देखिए ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वन, ईगल टाइगर। ऑप्शन नंबर बी, काउ ईगल। ऑप्शन नंबर सी, स्नेक टाइगर। ऑप्शन नंबर डी, टोड एंड टाइगर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ईगल एंड टाइगर। ईगल का और टाइगर का इन लोग का पंजा है, पंजा में जो नाखून है वो बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज रहता है। किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, ये सामने वाले अपने ओपोनेंट को जख्मी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 139, which of the following animal, which of the following animal is otherwise called the pangolin, pangolin, इसमें से कौन एक एनिमल को पेंगोलिन नाम से, यानी दूसरे नाम पेंगोलिन नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वन, टोड। ऑप्शन नंबर बी, बोनरुई। ऑप्शन नंबर सी, वल्चर। या ऑप्शन नंबर डी, इगुआना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इगुआना नाम का एक एनिमल है जिसका दूसरा नाम पोंगोलियन है। पेंगोलियन है। क्वेश्चन नंबर 140, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सीक्रेट्स एसिड, इसमें से कौन एक एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से एसिड खारिज होता है या निकलता है। ऑप्शन नंबर वन, स्टोमक यानी पेट। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी, ओएसोफेगस। ऑप्शन नंबर डी, लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, स्टोमक। एक ऐसा मतलब कि स्टोमक यानी इंसान का पेट है जहाँ पे
एसिड निकलता है जिससे खाना हजम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज ओपन एट वन इंडेड, यानी इसमें से कौन एक ऐसा मसल है जो कि खुलता है सिर्फ एक ही तरफ, दो तरफ नहीं सिर्फ एक तरफ खुलता है। ऑप्शन नंबर वन सेट्रियस, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी टैबलिस एनिएटर एंड ऑप्शन नंबर डी टंग। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टंग। ओके, ये एक लचकीला, एक फ्लेक्सिबल, एक ऐसा ऑर्गन है सिर्फ मतलब कि वन टाइम ही, यानी एक ही डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ नहीं मुड़ता, सिर्फ ऊपर ही लेफ्ट राइट हल्का फुल्का ये मुड़ जाता है। ओके, ये एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन भी हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, द नंबर ऑफ द चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। देखिए भी फैक्चुअल क्वेश्चन से, इंसान के दिल में कितने चैम्बर्स रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इसका तो आंसर आप लोग को मालूम होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी टू, ऑप्शन नंबर सी थ्री, ऑप्शन नंबर डी फोर। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स रहते हैं। Questions number 143, in which of the following jungles you will find the river Halang? If ये factual question है, कौन सा एक ऐसा जंगल है जहाँ पे आप river Halang पाया जाता है, जहाँ पे river Halang है। Option number 1 Gorumara, option number B Champamari, option number C Jaldapara, option number D Kaziranga। तो ये सब मतलब कि गोरुमारा, चंपामरी, ये सब सुंदरबन का एरियाज है। जल्दापारा जो कि जलपाईगुड़ी में, काजीरंगा जो कि आसाम में है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, जल्दापारा में हालांग नाम का एक रिवर है। ओके, और जल्दापारा फेमस है वन हॉर्न, यानी एक सींग वाला गेंडा, राइनोसोरस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दापारा इज फेमस, बंगाल में फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। इसमें से कौन एक ऐसा एनिमल, सॉरी प्लांट है जो कि कैंसर को इलाज के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर वन कालमेघ, ऑप्शन नंबर बी तुलसी, ऑप्शन नंबर सी नयंत्रा, ऑप्शन नंबर डी कुलेखारा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी तुलसी। ओके, तो तुलसी देखिएगा मतलब कि हमारे घरों में या हिंदू लोग के देखिए घरों में बहुत सारे इसका पेड़ आंगन में लगा रहता है। ओके, और इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं, और इसके जो सेंट है और इसके पत्ती बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए ये तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड इन डोकरा इंडस्ट्री। ओके, डोकरा एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में किस किस टाइप का मटेरियल यूज्ड होता है। ऑप्शन नंबर वन आयरन मेटल बार्स, ऑप्शन नंबर बी बी वैक्स रेजिन मोल्ड मेल्टेड ब्रास, ऑप्शन नंबर सी कदम फ्लावर बाम्बू, ऑप्शन नंबर सी बाम्बू एंड केन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी वॉक्स वेज मोल्ड एंड मेल्टेड ब्रास। ओके, ये एक फैक्ट्री है और यहाँ पे ये इस टाइप का मतलब कि एलिमेंट्स मटेरियल्स यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इन सॉइल। इसमें से कौन एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है जो कि सॉइल में घुल जाता है, नॉट पूछा है। ओके, ऑप्शन नंबर वन पील ऑफ वेजिटेबल्स, ये तो सड़ जाता है, लीफ ये भी सड़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी पेपर ये भी सड़ जाता है, पीस ऑफ ग्लास ए कैन मेड ऑफ टीन, यानी एक ग्लास का पीस या एक ऐसा कैन जो कि टीना से बना हो। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 147, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following animal? Which of the following animals
किड्स बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, इसमें से कौन एक ऐसा एनिमल जो कि इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसका वजूद खत्म हो गया है? ऑप्शन नंबर वन चीता, ऑप्शन नंबर बी लेपर्ड, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक बक, या ऑप्शन नंबर डी रेड पांडा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, ओके चीता। ये बाहर से मंगाया गया है और उसके नस्ल को अभी रियर किया जा रहा है, ओके। बट इंडिया से इसका एक्सटिंक्ट मतलब कि खत्म होने के कगार पे, अगर इसको सेफ नहीं किया जाए तो मे बी खत्म हो जाएगा। एक्सटिंक्ट मतलब सॉरी, एक्सटिंक्ट मतलब होता है खत्म के कगार पे, और एंडेंजर मतलब वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैटर, इसमें से कौन एक ऐसा, इसमें से कौन एक मैटर है? ऑप्शन नंबर वन बोतल मेड बाय प्लास्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी स्पाइस मेड ऑफ आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोतल मेड ऑफ द ग्लास, एंड ऑप्शन नंबर डी आयरन। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आयरन, ओके। आयरन एक मैटर है, एक सॉलिड मैटर है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 149, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जोटिक फिश इन इंडिया, इसमें से कौन एक एग्जोटिक फिश यानी बाहर से लाया गया है और इंडिया में इसको रेयर किया जा रहा है, फिश का एक प्रजाति है, कौन एक ऐसा फिश का प्रजाति है जो कि एग्जोटिक फिश है इंडिया में? ऑप्शन नंबर वन राहु, ऑप्शन नंबर बी कतला, ऑप्शन नंबर सी मिर्गला, या ऑप्शन नंबर डी तिलापिया, ओके। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तोला, तेलापोया नाम का एक मछली है जो कि ये एग्जोटिक फिश इंडिया, ये बाहर से इंडिया में लाया गया है और इसके स्पीसीज को बचा करके रखा जाता है और रियर किया जाता है, ओके। इसको मतलब कि अमेरिकन रिव्यू भी बोला जाता है। क्वेश्चंस नंबर 150 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चंस होगा, विच गैस बिकम आउट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन स्पैड ऑफ द ड्रेन, यानी जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर ड्रेन में या कोई गंदी जगह पे डाला जाता है तो वहाँ एक अजीब किस्म का बदबू आता है, तो वो बदबू कौन सा बदबू रहता है? ऑप्शन नंबर वन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन, ओके, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन, ओके। फ्रेंड्स तो ये था ईवीएस से, ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि कैंसिल पेपर था 2015। ये क्वेश्चन को करने के बाद से आप लोग को छोटी सा आइडिया हो गया होगा कि ईवीएस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्ट ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन को पूछा जाता है, 6 से लेके 9-10 का जो बुक है, ओके। तो इसलिए आप इस वीडियो को भी देखें और पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर का सभी प्रीवियस ईयर पेपर का मैक्सिमम क्वेश्चन बना दिया हूँ, तो आप लोग सब वीडियोज को जाकर के प्ले लिस्ट में या वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, ओके। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें, और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए वसीम एकेडमी के साथ जुड़े रहें और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए। इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे कोर्स को जरूर एक बहुत ही मिनिमम अकाउंट पे मैं लॉन्च करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उस कोर्स को जरूर खरीदिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स। Thanks.